हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमें ये बताना है कि हाउ मेनी राइट एंगल, कितने राइट एंगल बनेंगे जब आवर हैंड। तो पहले हम घड़ी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, ये है आपका, चलिए थोड़ा सा बना ही देता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पर होता है 12, यहाँ पर होता है 3, यहाँ पर होता है 6, यहाँ पर होता है 9, ये आपका हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ये आपका हो जाएगा 7, ये 8, यहाँ पे 10 और 11, ठीक है। तो जो इसमें छोटी वाली सुई होती है, ठीक है ना, छोटी वाली सुई, उसे कहते हैं आवर हैंड। क्या कहते हैं? आवर हैंड। और जो बड़ी होती है यहाँ पे, उसे हम कहते हैं मिनट हैंड। क्या कहते हैं? मिनट हैंड बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि जब ये आवर हैंड आपके 2 से लेके 8 तक जाती है तो कितने राइट एंगल बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बार और फिगर बना के थोड़ा सा समझाऊंगा आपको, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिखा ये आपका 3 है और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे है 8 और यहाँ पे है 2, ठीक। तो आवर हैंड आपका कहाँ पे है? 2 पे, और ये कहाँ पे आ जा रहा है? 8 पे। तो देखिए, ये आधा रिवोल्यूशन पूरा कर रहा है, ठीक है ना, आधा पूरा कर रहा है। तो आधा जब पूरा करेगा तो यहाँ पे कितने राइट एंगल बनेंगे? 2। तो 2 से 8 में कितने बनेंगे? 2। और 6 से 9, तो मान लीजिए, चलिए एक और बना लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पे 6 पे 9 भी कर लेंगे। देखिए 6 है, यहाँ पे 9 है, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक, यहाँ पे मान लीजिए छोटी वाली सुई है और यहाँ पे पहुँच जाती है, तो देखिए एक ही राइट एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है? 1। तो इसका आंसर बनेगा 2 and 1, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ट्रायंगल्स। तो इसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो भी फिगर बनता है उसमें 2 ट्रायंगल में आपको डिवाइड करता है? तो ये आपके सभी फिगर्स हैं, ये आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दी। जैसे मान लीजिए स्क्वायर ही है, तो स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे के, देखिए ये ट्रायंगल बन गया, रेक्टेंगल बनाएंगे, इसमें डायगोनल खींचेंगे तो ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब मान लीजिए आप कोई पैरेललोग्राम ही बनाते हैं, ठीक है, तो पैरेललोग्राम में भी अगर डायगोनल खींचेंगे तो एक ट्रायंगल यहाँ, एक ट्रायंगल यहाँ, तो सब में 2 ट्रायंगल बनते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे हमें एंगल्स बताने हैं दोस्तों। तो कैसे बताएंगे? यहाँ पे देखिए, जैसे लिखा है एंगल AOB, तो एंगल AOB आपका क्या है? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल है, ठीक है। आप समझाते हैं एक्यूट एंगल, जो भी एंगल 0 से 90 के बीच में होता है उसे कहते हैं एक्यूट एंगल। फिर AOE, जैसे देखिए AOB, देखिए ये एंगल 90 से छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं एंगल AOE, देखिए एंगल AOE, तो देखिए यहाँ पे राइट एंगल का डिग्री बन रहा है, तो इसको क्या बनेंगे? राइट एंगल। और राइट एंगल हमेशा किसके बराबर होता है? 90 के बराबर होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं एंगल AOC, तो देखिए 90 से ज़्यादा है, तो जो भी एंगल कभी भी 90 से ज़्यादा होता है, 180 से कम होता है, तो उसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑब्टूस एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्टूस एंगल, ठीक है। ऑब्टूस एंगल आपका कितना होता है? 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ठीक है। फिर है एंगल BOD, तो एंगल BOD देखिए एकदम सीधा है, तो सीधे वाले को क्या कहते हैं? या तो इसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल हमेशा किसके इक्वल होता है? स्ट्रेट एंगल हमेशा इक्वल होता है 180 के, तो आप लिखेंगे 180 डिग्री, ठीक। चलिए, तो इतना आपने समझ लिया क्वेश्चन नंबर 23 में, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगुलर प्रिज्म डैश इज द नंबर ऑफ वर्टिस। देखिए पढ़ लेंगे इसको, वर्टिसेस पढ़ लेंगे। देखिए नंबर ऑफ वर्टिसेस, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस किस में आपका पहले पूछा है? ट्रायंगुलर प्रिज्म में, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितने वर्टिसेस होते हैं भैया? 6 होते हैं। और नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अ स्क्वायर प्रिज्म, स्क्वायर पिरामिड, ठीक है। तो स्क्वायर पिरामिड में कितने होते हैं? 5 साइडें होती हैं। तो ये क्या है? देखिए हमेशा ट्रायंगुलर प्रिज्म जो है वो स्क्वायर प्रिज्म से हमेशा क्या है? ज़्यादा ही है, +1 ज़्यादा ही है। तो इसमें क्या लिखेंगे? ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द स्क्वायर पिरामिड, यानी कि ट्रायंगुलर प्रिज्म में एक साइड हमेशा ज़्यादा होती है किससे? स्क्वायर पिरामिड से, ठीक है। क्वेश्चन 25, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और इसको हमें पढ़ना भी चाहिए। देखिए कैसे करेंगे, देखिए पहले तो हमें डायरेक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो थोड़ा अच्छे से इसको मैं बता रहा हूँ, डायरेक्शन ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे ब्लैक पेन से लिख लेता हूँ, ठीक है। ये आपका ईस्ट डायरेक्शन होता है, ये आपका वेस्ट होता है, ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होता है आपका साउथ, ठीक। एक और बना लेते हैं, दो दो तीन तीन हमें यहाँ पर करने हैं, तो
बना लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे एक और बनाएंगे, ठीक है। तो ब्लैक पेन, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वन रिवॉल्यूशन। तो चलिए यहाँ से नॉर्थ में अगर किसी का फेस है, ठीक है, नॉर्थ में किसी का फेस है तो ये क्या करता है, पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। तो यहाँ से शुरू करेंगे, पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो कितने राइट एंगल बनेंगे, ठीक है। तो अभी इसने एक रिवॉल्यूशन पूरा कर लिया, लेकिन उस एक तो पूरा कर लिया, अभी वन बाय हाफ है, तो यहाँ से फिर चलेगा, फिर आधा घूमेगा। तो आधा घूमेगा तो इसका फेस अब कहाँ पर हो जाएगा, साउथ डायरेक्शन में, ठीक है ना, साउथ डायरेक्शन में। तो पहला हो जाएगा साउथ, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अभी तो अब इसका मुंह कहाँ पे है, साउथ में है ना, अब ये साउथ में है, ठीक है। तो साउथ से अब ये पूछ रहा है कि 3/4 रिवॉल्यूशन। देखिए चार पार्ट हैं तो तीन पार्ट हम यहाँ से घूमेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो तीसरा पार्ट जब हम घूमेंगे तो इसका फेस किधर हो जाएगा, ईस्ट के साइड, कितना हो जाएगा, ईस्ट के साइड। तो साउथ और यहाँ पर हो जाएगा ईस्ट, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, साउथ एंड ईस्ट, ठीक है। तो दोस्त आपको आई होप ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।